सो चलिए अब अंजलि ने पूछा है कि सर क्या ब्राउजर के अंदर यही सेम कोड हम नहीं लिख सकते हैं क्या? आप लिख सकते हो, उसके लिए आपको आपको एक वेब डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, और वेब डॉक्यूमेंट मतलब एचटीएमएल की फाइल, और आप अपना एचटीएमएल की फाइल आप बनाइए index.html। उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? अपना एचटीएमएल का कोड, कोड लिखा, रूल नंबर फर्स्ट मैं आपको सिखाता हूँ, दैट इज इंडेंटेशन। इंडेंटेशन आपने लिखा और यहाँ पर आप गए, अब यहाँ पर आपको अगर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, जैसे कि मैंने सीएसएस में बताया था सीएसएस के कोड लिखने की तीन जगह है, जावास्क्रिप्ट के कोड लिखने की तीन जगह है ना, तो कहां कहां? सो पहले तो मैं आपको रिवाइज करवा दूं, सीएसएस कहां लिखते हैं? हेड के अंदर। जावास्क्रिप्ट कहां लिखते हैं? हेड के अंदर, स्टाइल टैग के बाद में स्क्रिप्ट टैग के अंदर। सो जावास्क्रिप्ट कहां लिखते हैं? स्क्रिप्ट टैग के अंदर। और ये स्क्रिप्ट टैग कहां कहां लिख सकते हो? बॉडी के क्लोजिंग से पहले, बॉडी का जो क्लोजिंग टैग है उससे पहले क्या लिखना है? स्क्रिप्ट टैग, या फिर हेड के क्लोजिंग से पहले, या बॉडी के क्लोजिंग से पहले, या एक्सटर्नल, है ना। तो मैं यहां पर इस तरीके से लिखूंगा, और यहां पर यही सेम प्रोग्राम कॉपी किया, यहां पर गए, सेम टू सेम मैंने ये कि यही पूरा के पूरा प्रोग्राम, कुछ भी चेंज नहीं किया, और मैंने ये कि यही प्रोग्राम स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख दिया मैंने, है ना, वो कि वो कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अब सेव किया और आउटपुट में गए, और अब index.html, अब देखिए पूरा पेज ब्लैंक है, मगर हमें किससे मतलब है? इंस्पेक्ट एलिमेंट से। और आप फर्स्ट टाइम अगर जावास्क्रिप्ट नोड.js आप कर रहे हैं, तो अभी तक आप जितना भी डिजाइनिंग का काम करते थे, आप फ्रंट एंड का काम करते थे, मोस्टली आप किससे डील करते थे? एलिमेंट सेक्शन के अंदर। मगर जैसे ही आप जावास्क्रिप्ट में आप आ जाते हो, आप नोड.js में आ जाते हो, अधिकतर आपको काम जो है आपको किस टैब में करना पड़ता है? कंसोल टैब में करना पड़ता है, और कंसोल टैब में आपका आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको लैंग्वेज सीखनी है जावास्क्रिप्ट, अब उसका जावास्क्रिप्ट का कोड का टेस्टिंग आपको ब्राउजर में करना है कि कंसोल में करना है, ये आपके ऊपर है। मैं तो आपको दोनों ही तरीके बता रहा हूँ, आपको अपना प्रोग्राम की टेस्टिंग ब्राउजर के अंदर करनी है तो आप ऐसे कर लो, तो भी सही है, कोई गलती नहीं है। मैं आपको अगर उस नोड.js के थ्रू अपने कोड को रन करना है तो भी मैंने आपको बता दिया है, ये दोनों ही है। तो चलिए मैं इसको गिटहब पे अपलोड कर देता हूँ। तो यहां पर मैं गया और यहां से मैंने इसको किया GitHub/new, और है ना, और ये इस फाइल को भी मैं क्लोज करता हूँ, इंस्ट्रक्शन फाइल को मैं यहाँ पर नीचे की यहाँ पर मैं रख देता हूँ। सेव किया, ये भी सेव, और 18th में सो यहाँ पर मैंने इसको बैकएंड डेवलपमेंट 18th May 2022, तो बैकएंड डेवलपमेंट 18th May 2022 हमारा है पार्ट फर्स्ट। इसको मैं पब्लिक रिपोजिटरी बना रहा हूँ, रीडमी फाइल पे मैंने क्लिक किया, क्रिएट रिपोजिटरी। गिटहब पे हम इसीलिए स्टोर करते हैं ताकि हमारा डेटा इंटरनेट पर सिक्योर रह सके, है ना। हमेशा हर डेवलपर को गिट का नॉलेज होना चाहिए, अगर आपको गिट का नॉलेज नहीं है तो दिक्कत होगी आपको। अभी किरण का इंटरव्यू हुआ, इनके सीनियर ने जितने गिट के क्वेश्चंस पूछे थे इन्होंने तुरंत फटाफट बता दिए। तो एक लेवल होता है, एक समझ में आ जाता है कि कौन जस्ट कॉलेज से पास आउट होकर आ रहा है और कौन एक डेडिकेटेड ट्रेनिंग लेके आ रहा है या किसी कंपनी में काम करके आ रहा है, ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट, तो डिस्टिंग्विश यहाँ हो जाएगा। हालांकि आप सभी ट्रेनिंग ले रहे हो, मगर अपनी ट्रेनिंग के दौरान ही अपनी स्किल्स इतनी इंप्रूव कर लो कि इंटरव्यूअर को ऐसा लगे कि नहीं यार ये कोई फ्रेशर बच्चा नहीं लगता है, कॉलेज का प्रेशर और एक एक्सपीरियंस वाले का इंटरव्यू का फर्क पड़ जाता है। तो अपना मेहनत अभी इतना प्रैक्टिस करो कि फर्स्ट दिन जब इंटरव्यू देने जाओ तो इंटरव्यूअर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये फ्रेशर बच्चा है, उसको ये लगना चाहिए कि यार ये बहुत एक्सपीरियंस है, इसको नॉलेज अच्छा खासा है ना। तो यहां पर हमें गिट का यूज करना है हमारा सोर्स कोड अपलोड करने के लिए। यहां पर गिट इनिट, 5 स्टेप्स की कमांड, गिट इनिट, गिट रिमोट एड ओरिजिन, git remote add origin repo link paste किया, git add dot, यहाँ पर dot का मतलब कोई बताइए, current directory। तो आप git को बोल रहे हो कि भाई current directory कौन सी है 18 मई 2022, इसके अंदर जितनी भी files हैं, जितने भी folder है, सब के सब मुझे क्या करने हैं, upload करने हैं। तो आप उसको क्या करोगे, स्टेज करोगे git add dot command से। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, git commit -m, और यहां पर आपने किया, या आपने आज क्या सीखा, वेरिएबल्स।
गिट पुश ओरिजिन ब्रांच नेम। सो ब्रांच कौन सी है हमारी? मास्टर ब्रांच।